बीजेपी सरकार के सुशासन के दावे रेवाड़ी में आकर तार तार हो रहे हैं। वहीं सेवा सुरक्षा व सहयोग का नारा देने वाली पुलिस भी बेखौफ अपराधियों के आगे बेबस नजर आ रही है। यही कारण है कि रेवाड़ी में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं होने आम बात हो गई है। इसी के चलते आज फिर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए शहर के मल टाउन स्थित एक मोबाइल विक्रेता की दुकान के सामने सड़क पर हवाई फायरिंग कर पुलिस को चुनौती दे दी। हुआ यूं कि गांधी चौक पर स्थित एक मोबाइल विक्रेता की दुकान पर अल्टो कार में सवार होकर दो युवक आए और दुकान मालिक के अनुपस्थिति में उन्होंने वहां मौजूद युवक से 10,000 रुपये की रंगदारी मांगी। युवक ने कहा कि मालिक अभी दुकान पर नहीं है, कुछ देर बाद आना। ये सुनकर वह वहां से चले गए, मगर कुछ ही देर बाद वह फिर दुकान पर आ धमके और दुकानदार से पैसे मांगे तो मना करने पर बदमाशों ने एक कुख्यात अपराधी का नाम लेते हुए कहा कि ये रंगदारी की राशि उसने मंगाई है। लेकिन दुकानदार के मना करने पर बदमाशों ने सड़क के बीच खड़ा होकर हवाई फायर कर दिया और वहां से फरार हो गए। कुछ नहीं, मैं आया तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, कैसे आए हो? तो बोले भाई ऐसा है कि तमंचा दिया मेरे को, बोले या तो पैसे दे दें, 10,000 रुपये पकड़ा दें, या फिर ये बोलो इसको मालिक को मारा, मेरे को तो ये दिया है। तो मैं बोला भाई मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तो गोली मार दे। तो वो दूसरा एक और था, बोला ले भाई पकड़, इसको ये नहीं मान रहा है। तो वो बीच में मैंने फिर छीना झपटी की, वो फिर भाग गए वहाँ से। यहाँ फिर वहाँ पर जाके थोड़ी आगे जाके गाड़ी में बैठ के हवाई फायरिंग की। रेवाड़ी से अजय टीवी न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।